मेरे पन से दूर हो जाएंगे ना, मेरा मेरा करते हैं तो हमारे हमें दुख होता है। बाबा बोलते कि मेरापन हट जाएगा तो दुख दुख हो जाए, कम हो जाएगा, दुख नष्ट ही हो जाएगा उनका। हाँ जी, मेरापन, मैं कौन हूँ, मैं ये भूल जाते हैं, हम देहभान में आ जाते हैं, मेरा मेरा करते हैं, सो इसलिए विकर्म हो जाता है। अच्छा, और ओम शांति दीदी जी। आज मम्मा ने कहा जब किसी को दुख होता तो क्या कहते हैं, किसको याद करते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड, भगवान को याद करते हैं। लेकिन चल भले जानते हो ना जानते हो भी कौन है कौन है, फिर भी याद जरूर करते हैं कि सुख देने के लिए। वो क्या, वो तो सुखदाता है, वो दुख थोड़ा देता है, सुख देता, सुखदाता है। तो सुखदाता से हमारा कनेक्शन है, दुखदाता से कनेक्शन है। ये कहा मम्मा ने आज। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, दुख दिया तो क्यों क्यों हम याद करते हैं, है ना, सुख देता है इसलिए हम याद करते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं हमें अंदर से लगेगा ना, जब भी हम दुख में होता है तो हमें अनुभव होता है ना भगवान साथ है, थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है, भगवान के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, सो उससे क्या हो जाता है, सो कोई ना कोई हमें मार्ग मिल जाता है। इससे क्या होता है, और भी ज्यादा निश्चय बढ़ता है परमात्मा के ऊपर। इसलिए हमेशा हम किसी और को नहीं याद करते हैं, परमात्मा को ही याद करते हैं, है ना, उनको ही बुलाते हैं। बहुत अच्छे रीति से मम्मा ने इसका ऊपर एक्सप्लेनेशन किया है। कौन है दुखहर्ता सुखकर्ता, वो स्लोगन चेंज नहीं करता है ना, दुखकर्ता सुखहर्ता करके हम नहीं बोलते हैं, सुख देते हैं, है ना, भगवान सुख देते हैं, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, लॉजिक बहुत अच्छे से यूज किया है। और गीता का भी एक पॉइंट आए है आज की मुरली में, कौन सी बात है? गीता का रेफरेंस दिया है मम्मा ने। हाँ जी, गीता में वर्णन है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। हाँ जी जी दुख कहाँ मम्मा से, जी बोलिए। ने ये भी आगे ये भी लिखा है, ये थोड़ा लिखा भी तो मैं तुम्हारा शत्रु हूँ तुम्हारा मित्र हूँ, ऐसा भी नहीं लिखा है। आगे आगे दो लाइन और भी कही है। ओम शांति। रिपीट करना शेर भाई जी और एक टाइम। जैसे मम्मा ने कहा भी गीता में लिखा है, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है, जीवात्मा खुद ही अपना शत्रु है। ये थोड़ा हाँ लिखा है हाँ भी मैं तुम्हारा मित्र हूँ मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। हाँ जी, खुद मनुष्य है, अपने दुख के कारण है, अपना इच्छा है दुख के कारण है। कोई नहीं, कोई और सोर्स नहीं हो सकता दुख के लिए कारण। कितना अच्छा से मम्मा बताया, रचता और रचना ना, रचता भगवान, वो दुख नहीं देते, सुख देता है करके मम्मा ने सिद्ध किया है। उधर एक ही सिंगल में क्या हो गया, मैं अकेला हो गए ना, सो मैं ही दुख के लिए रीजन। दीदी ओम शांति। हम कोई अपने बच्चों को दुख देते हैं दीदी, वो भी तो हम भी तो, वो हमारा पिता है, वो हमें दुख थोड़ा देगा। जब हम लौकिक बन देते तो पारलौकिक पिता क्यों देगा हमें। लौकिक बाप दुख नहीं देते? अच्छा नहीं जी, 100% पक्का? हाँ जी दीदी। अदरवाइज हम क्यों भगवान को याद करते हैं ना। यहाँ भी हो सकता है थोड़ा बहुत दुख दे सकते हैं, हम बच्चों को डांटते हैं, है ना, उनको करेक्ट करने के लिए हम थोड़ा लेकिन अलग।
लेकिन वो तो डांटता भी नहीं दीदी, वो तो चुप ही रहता, देखता है साक्षी होकर देखता है वो तो। वही तो वही तो। सो परमात्मा ही एक ही है ना सुखदाता, लौकिक माँ बाप भी उतना सुख नहीं दे सकते, तो अंदर में रहेगा लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कुछ दुख देते हैं ना बच्चों के लिए। दुख नहीं दिया तो अच्छा बात है, वही बाबा चाहते हैं ना हम सबसे, कुछ भी हो जाए लेकिन हम दुख देकर उनको करेक्ट नहीं करना है, तो बहुत प्यार से करना है। बाबा ने हमारा स्लोगन दिया है, सुख दो सुख लो, ना किसी को दुख देना ना दुख लेना है, बाबा ये बार बार मुरलियों में कहते भी रहते हैं जी। सो बाबा हमको सिखाते हैं कैसे प्यार से सिखाना है सभी को, है ना। कितना भी क्रिमिनल हो उनको बाबा बोलते नहीं है उनको शिक्षा दो, है ना, उनका पनिशमेंट देखकर करेक्ट करो, नहीं प्यार से करो बोलते हैं, इसलिए सुखदाता बोलते हैं हम, दुख कभी भी नहीं देता। सो इससे सिद्ध है परमात्मा दुख हरता सुख करता है। अच्छा और क्या बातें बताई। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी आ रही है। आज मम्मा ने वरदान में बोला है कि अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से अपनी पूज्य स्वरूप की स्मृति से रूहानी नशे में रहने वाले, हाँ रूहानी नशे में रहने वाले, नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव, सॉरी सॉरी, रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। जैसे हम रूहानी नशे में रहकर भी कोई जैसे कोई कार्य करते हैं, और रूहानी नशे में रहकर ही हम पूज्य आत्मा जैसे रूहानी नशे में रहते हैं, हर हर कार्य करते हैं, तो उसका बंधन उनको नहीं रहता है। और किसी भी बात का, व्यक्ति का हो या पदार्थ का हो, कुछ भी हो, उसके बंधन में वो नहीं रहते, चाहे व्यक्ति का हो, संबंध का हो, पदार्थ का हो या किसी और का हो, किसी भी संबंध में नहीं आते। और जो आत्माएं और वैभव उनके सामने झुक जाते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि सॉरी मामा बोलती है कि जब ये पूजा आत्माएं ही जीवन मुक्त अनुभव करते हैं। जी अभी हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, बंधन मुक्त नहीं, इसलिए बाबा ने कहा पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखो, है ना, हर कर्म करो उससे, है ना। सो पूज्य आत्मा माने ही क्या है, पवित्रता, है ना, जहाँ पवित्रता है तो वहाँ रूहानी नशे है, सो हम डिटैच रहते हैं। पवित्रता माना सबसे डिटैच, कमल पुष्प समान हर कर्म हम डिटैच होकर करना, है ना। सो इसलिए बंधन मुक्त, किसी देह का आकर्षण हम करते, किसी का प्रति हम प्रभाव में झुकाव में आ जाते हैं, तो माना क्या है, हम अपवित्र है, हम देह को देख लिया, है ना। सो जब हम संपूर्ण पवित्र स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं, तब किसी का आकर्षण हो नहीं सकता। संपूर्ण प्यूरिटी में जब रहते हैं तब सब आकर्षण में मुक्त रहते हैं। अच्छा हाँ जी वर्षा सिस्टर बोलिए। हाँ जी ओम शांति। आज मम्मा ने बोला ना कि हम अपने ही शत्रु हैं और अपने ही मित्र हैं, मीन्स हमारे कर्म ही हमें अपना शत्रु बनाते हैं और हमें अपना मित्र बनाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो शत्रु भी, क्योंकि हमने गलत कर्म किया तो अपना ही नुकसान किया ना, तो शत्रु भी हम ही हो गए अपने। तो ओम शांति।
जी ओम शांति। पे बाबा ने जो कहा ना प्रश्न जो इसमें किया कि दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है, वह अलग चीज है ये माया पांच विकार, अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर क्या कह देते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि मनुष्य क्या कहते हैं, ये सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो वह सुख की चीज दी होगी ना, इसमें तुम्हें विकार डाल उस इसमें तुमने मतलब विकार डाल करके इन सब चीजों को खराब कर दिया है। बाबा बोलते हैं जो हमने आत्मा में ये विकार डाले तो इससे हमने ये सब चीजों को खराब कर दिया थे, इसीलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें ये बात समझनी है, इसके लिए थोड़ा टाइम, जैसे बाबा बोलते किसी को जब संदेश देते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि दुखों का नाश करने की जो हमारे को बाबा विधि बताते हैं, तो इसके लिए बाबा बोलते हैं कि अन्य आत्माओं को भी बार बार लाओ और उन्हें भी समझाओ, परंतु ऐसे नहीं कि यहाँ से सुना और बाहर गए तो बात खत्म। तो ये भी बहुत अच्छी समझानी एक बाबा ने आज दी है। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। सो स्लोगन में क्या कहा था? सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। निर्माण में भी हर एक क्वालिटी आ जाती है, जब हम निमित्त बनते हैं तो निर्माण में हमारे जो भी हमारी सेवा हम करते हैं इसमें ही हमारी आत्मा का निर्माण होता है, विकास होता है। तो उस विकास के लिए जब बाबा से जो हमें जो प्राप्ति होती है महावाक्यों की, जैसे मम्मा ने आज स्पष्टीकरण में बता ही दिया है कि कर्मों की गुह्य गति क्या है, कि कर्म जब हम कर्म करते हैं तो कर्म हमारे ही कर्म हमारे आगे आते हैं। जैसे एक गीता में एक श्लोक आता था, पता नहीं 11वां के 15वां अध्याय कुछ था कि कर्म पहले तो भगवान वाच होता है कि अर्जुन के लिए बोलते हैं कि कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सखा तुम हुए। तो भगवान बोलते हैं जैसे बाबा ने कर्म किया तो कर्म तो मुझे भी करना पड़ता है, इस कर्म में रह करके हम क्या करते हैं कि कर्म कहो। तो आज मामा ने कहा कि किस्मत, किस्मत नहीं बोलना, लेकिन पहले हमने जो श्लोक में पढ़ा था कि कर्म कहो किस्मत कहो चाहे कहो तकदीर, पहले बना प्रारब्ध, जो अभी हम ये प्रारब्ध बना रहे हैं संगम युग में, पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर, बाद में हम ये जब शरीर लेते हैं अभी हम प्रारब्ध में कौन सा कर्म कर रहे हैं, तो पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर, कर्म की गठड़ी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे यही विधि का विधान, कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मरम प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म। तो ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में, जो आज मम्मा की मुरली से जो हमें समझ मिल रही है, तो मम्मा ने ये सारा जो राज खोला इस राज से हमें बहुत शिक्षाएं लेनी चाहिए और हर एक को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि हम ही गिरते हैं हम ही उठते हैं और हमारे कारण ही हम दुख सुख में आते हैं अपने ही किए पे, इसीलिए हमें बहुत समझाने लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबका शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम योग करते हैं मनसा सेवा। शेरू भाई जी आप शेयर करेंगे। श्वेता बहन आज वो होना नहीं था बर्थडे डे था, सॉरी आज बर्थडे कह रहे थे ना आप और क्लास चल रही थी। हाँ आज अभी देखेंगे नहीं होगा शायद, अभी हम मंत्र सेवा करते हैं, देखेंगे लेट ज्वाइन किया संगीत पहुंचानी है, मंसा सेवा के बाद क्लास होगा जी, ठीक है। मैं आत्मा चमकती हुई मणि प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूं, मैं शांत हूं, पीस हाउस हूं,
शांति की पुंज हूँ, शांति की भंडार हूँ, मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। परमधाम में शांति के सागर शिव बाबा महाज्योति, उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये शांति की किरणें अब नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। परमात्मा शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे विश्व में ये शांति की तरंगें पहुंच रही हैं। सारे विश्व में भिन्न भिन्न कारणों से अनेक आत्माएं अशांति की ज्वाला में जल रही हैं। ये परमात्मा शांति की तरंगें, शीतल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर उन सभी के चित्त की अग्नि को शांत कर रहे हैं। सभी का मन शांत हो रहा है। परमात्मा शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे संसार में जैसे कि डीप साइलेंस हो रही है। मैं शांति का फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक में। मैं बाप दादा के साथ हूं। बाबा के मस्तक से शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। शांति के सागर का
शांति का संपूर्ण प्रवाह सारे संसार की आत्माओं तक पहुंच रहा है। मैं भी उनके साथ हूं। पीस हाउस, शांति का फरिश्ता मेरे मस्तक से, नैनों से शांति की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं। सूक्ष्म वतन से बाप दादा और मैं पीस हाउस, हम दोनों फरिश्ते संसार में शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। संसार की अनेक आत्माएं इस शांति को अनुभव करके शांति के सागर की ओर आकर्षित हो रही हैं। हे संसार की सभी मनुष्य आत्माओं, हे शांति के इच्छुक आत्माओं, आप सभी को ज्ञात हो कि शांति प्राप्ति का अंतिम स्रोत केवल एक शांति के सागर परमात्मा ही है। उनसे शांति मांगने के बजाय उनसे अपनी मन बुद्धि का नाता जोड़ो तो उनकी संपूर्ण शांति तुम्हें अधिकार के रूप में प्राप्त होने लगेगी। इससे तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, तनाव लोप हो जाएगा, समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। याद रखो, शांति के सागर परमात्मा स्वीट फादर हैं, वो आपका आह्वान कर रहे हैं। हे मेरे बच्चे, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, पहनो इस हार को, आ जाओ मेरे पास और अपने चित्त को सदा के लिए स्वीट साइलेंस से भर लो। हे आत्माओं, आप सभी को ये ज्ञात हो कि जब आप अपने को इस देह से न्यारी चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा स्वीकार करेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर शांति के सागर से मन बुद्धि की तार जोड़ेंगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। अभी सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर
मैं चमकती हुई आत्मा उड़ चली अपने शांति धाम में। मैं शांति धाम में हूं जहां चारों ओर असीम शांति है। मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो गया है। मेरे सामने हैं शांति के सागर, उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। मैं आत्मा भी मास्टर शांति सागर हूं, शांति सागर बाबा के साथ इस संपूर्ण विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैला रहा हूं। ये शांति के वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को शांत कर रहे हैं। संसार से अशांति की कालिमा नष्ट होती जा रही है। सभी के चित्त जैसे कि प्रकाशित हो रहे हैं। शांति की तरंगों को पाकर सभी सत्कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इस तरह मैं परम धाम में शांति के सागर से कंबाइंड होकर स्वयं में स्वयं को शांति की शक्ति से भरपूर अनुभव कर रहा हूं। इस शांति से संपन्न होकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ सूक्ष्म लोक में, अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर शांति का प्रकाश फैल रहा है। मैं शांति का फरिश्ता, चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाता हुआ अब नीचे उतर रहा हूं। धीरे धीरे सारा आकाश शांति की तरंगों से भरपूर हो रहा है। संपूर्ण प्रकृति शांति की किरणों को स्वयं में समा रही है। मैं फरिश्ता प्रवेश कर लेता हूं अपने स्थूल शरीर में। मैं शांति का फरिश्ता हूं। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होकर अंग अंग को शीतल कर रहे हैं। शांति के वाइब्रेशंस मेरे शरीर के कण कण में समा गए हैं।
अब मैं संपूर्ण शांति से संपन्न हूं। मेरा तन और मन इस शांति की शक्ति से ओतप्रोत है। ये स्वीट साइलेंस मुझे बहुत सुख प्रदान कर रही है। लंबे काल की अशांति मानो लोप हो गई है। अब मुझे इस विश्व रंगमंच पर शांति की शक्ति से संपन्न होकर हर कार्य करना है। मेरी शांति से भरी हुई दृष्टि को पाकर अनेक अशांत आत्माएं भी शांत हो जाएंगी। मेरे समीप आकर अनेकों के तनाव समाप्त हो जाएंगे। मेरे शांति से संपन्न बोल अनेकों के दुखों को नष्ट करेंगे। मैं शांति का फरिश्ता बनकर प्रतिपल चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाऊंगा। मैं शांति के सागर की संतान हूं। शांति तो मेरा स्वरूप है। मैं शांति से भरपूर रहकर ही अपने सारे कार्य संपन्न करूंगा। शांति तो अब मेरी शक्ति है। शांत स्वरूप हूं, पीस हाउस हूं। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अव्यक्त वाणी क्लब में। और इतने सुंदर दिन में आप सभी का, आज मम्मा की स्मृति दिवस है और अभी मनसा सेवा के बाद हम एक सुंदर से क्लास की ओर जाएंगे, जहां पर आज हमारे साथ आदरणीय सुभाष भाई जी जुड़े हुए हैं ज्ञान सरोवर से, जो हमें मम्मा की शिक्षा, मम्मा के अनुभव से अवगत कराएंगे। मैं उनका परिचय शॉर्ट में देना चाहूंगी। सुभाष भाई जी 1986 में समर्पित हुए हैं 34 सालों से, और वो एक मिनट स्पॉटलाइट में हम उन्हें डाल देते हैं। जी, और ज्ञान में वो 1976 में है, करीब 44 ईयर्स से वो ज्ञान में है। 60 फैमिली मेंबर्स समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं आदि रत्नों के साथ। उनकी पालना और यूट्यूब में भी विशेष उनके अनुभव है। कैंसर पर जीत आपने पाया हुआ है। आपने करीब 17 देशों में सेवाएं दी हुई है अब्रॉड, और आपने साहित्य आप खास कर लिखते हैं, क्या वो दिन लौट आएंगे, प्रकाश में दादी जी के ऊपर आपने 100 बुक्स लिखे हैं, मानस के स्मृति पटल के जानकी दादी जी के प्रति भाव सुमन अपने 50 लिखे हैं, स्मृति और स्वर्णिम क्षणों की गुलजार दादी जी के ऊपर भी 50, जगदीश भाई जी के ऊपर भी 25
जगदम्बा सरस्वती माँ के ऊपर भी 25 लिखे हुए हैं, और शिव स्मृति चैनल व मधुबन के झरोके चैनल में मददगार है। हाँ, तो ऐसे आदि रतन कहो या अनुभव की खान कहो आज हमारे बीच है, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी इस अव्यक्तवाणी परिवार में। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आवाज आ रही बराबर? जी। ओम शांति। हमें बहुत खुशी है कि आज विशेष करके 24 जून मम्मा का स्मृति दिन, चारों तरफ मम्मा की ही बातें चल रही है। मम्मा सचमुच ऐसी महान विभूति थी, और कैसे वो नंबर वन चली गई, क्योंकि मम्मा के अंदर वो शक्ति थी शुरू से ही। जीवन का फैसला वो एक पल में करती थी, जिसको हम लोग झाटको भी कहते। जब मम्मा की उम्र 17 साल की थी, वैसे बचपन में मम्मा मुंबई में पली बड़ी, बहुत बड़ा उनका बिजनेस था, बहुत उच्च कुल की भी थी, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी, लेकिन उनके परिवार के साथ ऐसी घटना हुई। उनके पिताजी का जो बिजनेस है अचानक खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कोई स्टीमर था, उसमें कुछ माल जा रहा था पूरा विदेश में, और वो डूब गया, और उसी में उनके पिताजी धक्का लग गया, और उस कारण उन्होंने वहां का पूरा समेट के वो सिंध कराची में मम्मा भी आ गई। तो जब 17 साल की थी तो शुरू शुरू में ये पढ़ाई करते, तो पढ़ाई के समय ही जब प्रकाशमणि दादी और मम्मा वो दोनों की दोस्ती हुई। और विशेष ये बात देखो कि दोनों की दोस्ती हुई, दोनों बाबा के पास आए, और दादी को भी और मम्मा को भी बाबा ने एक प्रश्न पूछा था कि तुम किसके साथ शादी करोगी, पीतंबर से या सूट बूट वाले से। तो बाबा ने मम्मा को 24 घंटे की मोहलत दी थी कि 24 घंटे में मुझे बताना आपका क्या डिसीजन है। तो मम्मा ने सबसे पहला डिसीजन, बोलते हैं ना झाटको, एक ही सेकंड में एक ही पल में मम्मा ने फैसला लिया था, बाबा मुझे 24 घंटा नहीं चाहिए, मैं इसी घड़ी आपकी हूँ, इसी घड़ी में पीतम्बर से शादी करूंगी। तो इस प्रकार से पहला ही झटके में मम्मा बाबा की बनी, और तब से ही वो आगे बढ़ती गई आगे बढ़ती गई। और विशेष देखो
ये ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम प्रशासिका बनने का उनको गौरव प्राप्त है। तो ये चीज जो है कि प्रथम गौरव प्राप्त हुआ माना बहुत बड़ी बात की, पहली मम्मा को और दूसरी प्रशासिका जो उसकी सहेली थी वो प्रकाशमणि दादी। तो दोनों सहेली देखो, एक तो पहली प्रशासिका ये दूसरी, समय चेंज था लेकिन प्रकाशमणि दादी जिन्होंने लंबा समय अपने कार्य किया। तो मम्मा की एक बात सुनाते हैं, जैसे कि चंद्रमणि दादी की बात सुनाते हैं कि मम्मा ने एक बार पूछा कि आपके पास लौकिक का कुछ है तो नहीं, क्योंकि पहला परिवार था वो शांतामणि दादी का जो पूरा यज्ञ में समर्पित हुआ था, और दूसरा परिवार था चंद्रमणि दादी का। तो चंद्रमणि दादी को एक सूक्ष्म रूप में नशा भी था कि हमने पूरा परिवार बाबा का बन गया, खुशी भी थी लेकिन एक नशा भी होता है ना कि पूरा के पूरा परिवार बाबा के यज्ञ में समर्पित हुआ करके। तो जब ये बात चल रही थी तो मम्मा को पता चल गया, तो मम्मा ने एक बार चंद्रमणि दादी को बुलाया और पूछा कि आपके पास कुछ लौकिक का तो है तो नहीं। तो चंद्रमणि दादी ने बड़े फकूर से जवाब दिया था, मम्मा हम तो पूरा परिवार ही परिवार समर्पित हो गया। तो भी मम्मा चंद्रमणि दादी को थोड़ा सा मन में कुछ बात लग गई कि मम्मा ने पूछा माना जरूर कोई बात होगी। तो चंद्रमणि दादी अपने रूम में गई, अच्छी तरह से हर चीज ढूंढा, चारों तरफ ढूंढा कमरे में कि कोई पुरानी चीज तो नहीं, कोई परिवार की चीज तो नहीं मेरे पास। तो जब ढूंढा तो एक सुई मिली, एक सुई होती ना, तो चंद्रमणि दादी को समझ में आया। तो चंद्रमणि दादी लेके मम्मा के पास आई और मम्मा को कहा, मम्मा ये सुई है मेरे पास जो लौकिक की है। मम्मा मुस्कुराई और मम्मा ने कहा, बस तुम इसको है ना, ये जो निमित्त बहन है ना, उसको जमा कर दो सुई को, और फिर वहां से दूसरी सुई लेना, तो तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये मेरे लौकिक की सुई है ये नहीं आएगा। तो कितनी बड़ी बात मम्मा उसको सिखाई। एक बार ऐसे ही चंद्रमणि दादी की जो सिस्टर है, बहन है, वो पूरा कर्नाटक जोन की इंचार्ज थी, तो उनके साथ भी ऐसी एक घटना हुई थी कि उनको ना क्लास में नींद बहुत आती थी, क्लासरूम में नींद बहुत आती थी। तो एक बार क्या हुआ, हॉल में मुरली पूरी हो गई और उनको नींद आ गई, तो क्लास में से सब चले गए और वो सोई पड़ी थी ऐसे। तो ये बात बाबा के पास पहुंच गई कि बाबा
ये रुद्री पुष्पा दादी जी है ना सोई पड़ी है, सब क्लास पूरा हो गया और वो अकेली सोई है। तो बाबा ने कहा बच्ची कोई बात नहीं, आप इसको दृष्टि दो। तो मम्मा और एक दो बहनें गई और उदय पुष्पा दादी को दृष्टि दे रहे थे, एकदम पावरफुल दृष्टि। तो जब उसकी नींद खुल गई दादी की, तो उनको बहुत शर्म आया अंदर ही अंदर कि पता नहीं कब से सोई पड़ी हूं, क्लास वाले सब चले गए, मुरली सुन के चले गए और मैं अकेली हूं। तो अंदर अंदर उनको है ना शर्म जैसी महसूस, वैसे हमें भी ऐसा हो जाता है ना कभी, तो उनको बहुत शर्म महसूस हुई और अंदर से उन्होंने संकल्प किया मुझे कुछ भी हो मुझे निद्राजित बनना है। तो उन्होंने क्या किया, एक जो हिस्ट्री वाला है ना उसके छत पे जाके बाबा के साथ मतलब योग लगाने लगी। और शायद उन्होंने अपनी चोटी भी है वो थोड़ा सा ऐसे खींच के किसी चीज के साथ बांध दी ताकि झुटका ना आ जाए। और एकदम बाबा की याद में मस्त, तो करीब रात के 1-2 बजे बाबा को उधर नींद नहीं आ रही थी। बाबा सोच रहे कि आज नींद क्यों नहीं आ रही, कौन सी बच्ची याद करिए। तो बाबा ने अब साथ में जो 1-2 बहनें थी उनको कहा कि टॉर्च ले लो और देखो चारों तरफ कोई जगा हुआ तो नहीं है। तो बहन गई देखा तो ये रुद्र पुष्पा दादी वहां छत पे बाबा को याद करे। तो फिर उदय पुष्पा दादी को बाबा के पास लेके आए। तो बाबा ने कहा बच्ची तूने तो बाबा की नींद ही उड़ा दिया, तू इतना बाबा को याद किया, तुम निद्राजित हो गई करके। तो बाबा का जो वरदान है उसके बाद कभी उसको क्लास में या कहीं ऐसी नींद नहीं आई, मतलब बाबा ने जैसे कि उसको निद्राजित बना दी। तो ये जो बाबा और मम्मा, जो मम्मा की जो दृष्टि बोलते ना बहुत पावरफुल थी। ऐसे एक बार की बात है, जगदीश भाई जी ने सुनाई थी कि एक जो भाई थे वो बहुत एंटी थे, उनकी युगल बाबा के ज्ञान में थी। तो वो मेन झगड़ा तो पवित्रता का था, लेकिन वो सबको क्या बताता था, ये मेरी वाइफ है ना मेरा बात नहीं मानती, घर का काम नहीं करती, बाबा बाबा करती रहती है और झगड़ा करती है, ऐसे से उसकी सारे परिवार में बात करता था। मेन चक्कर था उनका पवित्रता का। तो एक दिन क्या हुआ, वो भाई को बहुत गुस्सा आया और वो सेंटर पे आया, शायद वो कमला नगर सेंटर था या कृष्णा नगर। तो सेंटर पे आया तो 3 मंजिल का उस समय वो किराए वाला था या कैसे पता नहीं, तो वो 3 मंजिल वाला मकान था। तो भाई आया क्लासरूम में, जो कुर्सियां थी वो इधर उधर तोड़ने लगा, इधर उधर बर्तन फेंकने लगा और बोलना कि मम्मा का है, आपकी मम्मा का है, आज मुझे आपके मम्मा से मिलना ही है, मेरे को आज फैसला करना ही है। तो जो दूसरी बहनें थी वो तो डर गई कि पता नहीं मम्मा के साथ क्या करेगा, मम्मा को कुछ पिटाई विटाई कर दे, ऐसा ऐसा डर गई थी। तो भी वो भाई है ना धीरे धीरे 3री मंजिल पे पहुंच गया, मम्मा के रूम में पहुंच गया। मम्मा के रूम में तो मम्मा एकदम योग में बैठी थी।
तो मम्मा योग में बैठी थी, जैसे वो कमरे में प्रवेश किया तो मम्मा खड़ी हो गई कुर्सी से उठ गई, खड़ी हो गई और कहा बच्चे आओ आओ बैठो, और अपने कुर्सी पे वो भाई को बिठाया। पहले तो शर्मा गया कि इतनी बड़ी विभूति, इतनी बड़ी महान आत्मा अपना सीट छोड़ के खड़ी हो गई। तो भी मम्मा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं आप बैठो, और फिर मम्मा खटिया पे बैठी। तो उसके बाद उसके अंदर एकदम चेंजेस, उसको लगा कि इतनी बड़ी मम्मा मेरे को कितना रिस्पेक्ट दिया, अपना कुर्सी छोड़ा। उसके बाद मम्मा ने उसको दृष्टि देना शुरू किया, और दृष्टि देते देते उसके अंदर पूरा बदल गया, चेंजेस हो गया। फिर जोर से चिल्लाने लगा, जोर से आवाज, माँ माँ माँ, ऐसे मम्मा के लिए बोलने लगा। फिर रोने लगा कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत तकलीफ दिया आप लोगों को, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो देखा कि मम्मा की दृष्टि में इतनी पावर थी और निडर बहुत थी, बाबा के पर पूरा पूरा की भरोसा एकदम। एक बार की बात है, बाबा के पर इतना भरोसा, बाबा ने जो कहा हाँ जी। एक बार बाबा ने कहा बच्ची ठंडी के दिन है, बच्चों को हलवा खिला दो। तो मम्मा ने बोला हाँ बाबा, जबकि पता था कि घर में कुछ भी नहीं है, घर में खाने के लाले पड़े हैं, कहाँ से, और ऊपर से बाबा ने कहा घी का हलवा खिलाओ, घर में तेल भी नहीं है, घी कहाँ से। लेकिन मम्मा का इतना बड़ा भरोसा था कि बाबा ने कहा माना उसमें भी कुछ राज है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो बाबा ने तो ऊपर से बोल दिया कि भाई बच्चों को हलवा खिला दो। तो उसमें मैंने उसने देखा कि कुछ समय में जो पोस्ट होते हैं ना, मनी ऑर्डर आई, एक भाई को साइकिल से मार्केट भेजा, आटा मंगाया, जो भी चीज घी मंगाया, और बरोबर 12 बजे क्या हो गया, हलवा बन के तैयार हो गया। तो इतना बाबा पे भरोसा था कि घर में कुछ भी नहीं है तो भी हाँ बाबा हाँ बाबा। एक बार तो ऐसा हुआ, ऐसे बाहर आंगन में बैठे थे, तो कई लोगों के मन में होता ना कि बाबा मम्मा को इतना क्यों प्यार करता है, इसको मम्मा के ऊपर इतना जिम्मेवारी, इतना भरोसा क्यों, ऐसे क्या मम्मा के अंदर क्या है जो हमारे में नहीं है। तो बाबा ने एक बार क्या परीक्षा लिया, वाने का देखो अभी मम्मा की हम पूर्ण परीक्षा लेते, तो बाबा ने कहा मम्मा आ करो, और बाबा के हाथ में अंडा था, कोई पंछी होता है ना, कोई छोटे छोटे पंछी होते, उसका घोंसले में कोई अंडा था, तो किसी ने दिखाने के लिए लाया था बाबा को। तो बाबा ने कहा मम्मा आ करो, तो मम्मा ने आ कर दिया, और बाबा ने उनके मुंह में ऐसा एक्शन किया
कि जैसे कि अंडा खिला रहे करके, लेकिन मम्मा का बाबा पर इतना भरोसा था, इतना मतलब विश्वास था कि बाबा मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है, इसलिए मम्मा ने आराम से आ कर दिया। तो फिर बाबा ने पूछा, मम्मा तुमको डर नहीं लगा कि मेरे हाथ में अंडा था और आपने आ कर दिया? मतलब मेरा भगवान पे पूरा भरोसा है, और इसी ब्रह्मा में स्वयं परमात्मा आता है ये भी मुझे विश्वास है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब जो दूसरे लोग थे उन्होंने देखा कि मम्मा मतलब कैसे मतलब अचल अडोल, हाँ जी बाबा, मतलब कोई भी कर्म हो कोई भी बात हो कभी मम्मा ना नहीं बोलती थी। सबसे बड़ी बात है कि मम्मा पुणे में उनको इतना दिन रहने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, इसलिए आज भी पुणे की धरती पकाऊ है ना, कितने सारे स्टूडेंट निकले। और वही जानकी दादी का संकल्प था कि यहाँ क्या होना चाहिए, जगदम्बा भवन। और देखो जानकी दादी का संकल्प बाबा ने कैसे पूरा किया। एक बार ऐसे ही रमेश भाई जी के साथ मम्मा जा रही थी कार में, तो बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे, तो रमेश भाई जी ने कहा, मम्मा ये आपने देखा, बड़ा बहुत अच्छा फिल्म लगा है। तो मम्मा ने कहा, जिधर हमें जाना ही नहीं उधर देखना क्या है? मतलब मम्मा का इतना मतलब बाबा के प्रति, ड्रामा के प्रति इतना विश्वास था, और जिस कार्य के लिए हमें जाना है वही सारा फोकस होना चाहिए, उधर ही हमारा सारा ध्यान होना चाहिए, ये मम्मा हमें सिखाती थी सभी को। और देखो कितनी विशेष बात है कि मम्मा की जो माँ थी, मम्मा की माँ भी मम्मा को माँ कहती थी, मतलब बेटी को माँ कहती थी। तो कितनी बड़ी उनके अंदर विशेषता, कितनी बड़ी उनके अंदर ताकत शक्ति कि किस प्रकार से। और जब मम्मा सितार बजाती थी शुरू शुरू में जो, तो कितने सारे लोग ट्रांस में चले जाते थे। तो ये मम्मा की एक खूबी थी। और मम्मा जब भी बाबा मुरली चलाते थे, ब्रह्मा बाबा जैसे ही हॉल में आते थे मुरली चलाने, तो मम्मा एकदम चुप हो जाती थी। तो जब मम्मा को पूछा कि आप ऐसे क्यों करती है, तो मम्मा ने कहा, ये तो परमपिता परमात्मा पिताश्री है, इतनी महान विभूति है, इतनी श्रेष्ठ आत्मा के सामने मैं कैसे बोल सकती। तो कई बार जब क्लास चलता था ना, तो ब्रह्मा बाबा दरवाजे के पास खड़े रहते थे, अंदर नहीं आते थे, और मम्मा की जो मधुर वाणी है वो सुनते थे। तो मम्मा की ये जो विशेषता थी कि कैसे बाबा के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड
कि बाबा जैसे ही सामने आता था तो एकदम चुप हो जाती थी। इसलिए बाबा कहता था मम्मा का जो कोर्स होता है ना उसमें फोर्स होता है, मतलब कोई कोई लोग कोर्स कराते लेकिन ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन मम्मा की विशेषता थी कि मम्मा का कोर्स कराती थी उसमें शक्ति होती थी, मतलब फोर्स होता था। एक बार हमारी जानकी दादी जी हमें बता रही थी इधर कि किसी ने कहा कि मम्मा को बताया कि जानकी बहन या जानकी दादी जो है डरती है आपको, तो मम्मा को पता चला। मम्मा ने एक दिन जानकी दादी को बुलाया और पूछा क्या मेरे से डरती हो? तो जानकी दादी बोला नहीं हाँ नहीं ऐसा करते हैं ना जैसे। तो फिर मम्मा ने दादी की उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ के वो खास दादी के साथ बातचीत किया, हंसाया बहलाया, तो जानकी दादी के अंदर जो डर था वो खत्म हो गया। एक बार ऐसे ही अबुक से निमंत्रण, मतलब मम्मा के लिए निमंत्रण आया था लुधियाना से, तो वहां एक खुशीराम सहानी करके भाई थे, तो वो अनुभव बताते कि जब मम्मा आई तो शायद वो बैंक मैनेजर कोई थे, तो वो क्या करते थे जितने भी मम्मा के क्लास होते थे वहाँ गाड़ी में जाके पहुंच जाते थे, वहाँ हर जगह पे रोज मतलब पूछते थे कि आज मम्मा का प्रोग्राम कहाँ है, आज मम्मा का प्रोग्राम कहाँ है, वहाँ पहुंच जाते थे। और फिर मतलब इतना उनको, अभी तो नए थे वो, अभी तो ज्ञान भी नहीं, लेकिन मम्मा के प्रति इतना प्यार इतना आकर्षण था कि वो एकदम मम्मा की वाणी से इतना प्रभावित, तो वहां से फिर बाबा के बच्चे भी बन गए वो। तो ऐसे मम्मा के अंदर जो कोर्स का था, कोर्स होता था वो फोर्स वाला था, कि कभी भी ऐसे नहीं लगता था कि मतलब मम्मा, क्योंकि मेन चीज थी कि मम्मा जो अमृत वेला 2 बजे उठ के तपस्या करती थी, तो उसमें मम्मा की ताकत होती थी, शक्ति होती थी। जब मम्मा को जब कैंसर हुआ था तो अंतिम समय हमारी जो शांता बहन है अजमेर में, उनको साथ रहने का ना ब्राह्मणिक के रूप में या सेवा करने के रूप में उनको चांस मिला था, तो मम्मा का ये था कि बीमारी अपनी जगह पे। कई बार वो बताते कि रात को 11 भी बजता था लेकिन मम्मा बराबर 3-3:30 बजे उठ के अमृत वेला करती थी। मतलब ये नहीं कि आज ये हो गया तो मैं ये नहीं करूंगी, नहीं। और बाबा की वाणी के लिए एकदम तटपन जहां भी होती थी बाबा की मुरली। तो इस प्रकार मम्मा के अंदर जो गुण थे, मम्मा के अंदर जो शक्तियां थी, मम्मा को जो पता था कि ये लक्ष्मी बनने वाली है, तो भी मम्मा ने अपने पुरुषार्थ में कभी भी ढिलाई नहीं किया, और भी अच्छा पुरुषार्थ करते गए और भी आगे बढ़ने की कोशिश की, और यज्ञ के कारोबार में कुछ भी समस्या है उसका समाधान कैसे करें,
तो ये मम्मा के अंदर विशेष खासियत थी। और कैसे भी करके कि बाबा को यज्ञ सुचारू रूप में कैसे बने, अच्छा से अच्छा कैसे बने, आगे बढ़े, ये मम्मा के अंदर सदा ही लगन रहती थी। और बाबा के साथ राइट हैंड बन के चलना, और कई बार क्या होता था कि छोटी मोटी जो गलतियां होती थी, कुछ होती थी, तो मम्मा ये बाबा के पास नहीं जाते थे, बच्चे मम्मा के पास जाते थे, तो मम्मा उनको प्यार से समझाती थी और समझा के उनको सॉल्यूशन देती थी। तो इस प्रकार मम्मा शुरू से ही अपना कार्य करते और अंतिम समय भी इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी अंत तक, अंत समय तक उनके चेहरे पे कभी भी कोई ऐसा शिकंजा नहीं होता था, ऐसी कुछ दुख भरी, सभी को प्रेम से प्यार से हंसते खेलते। फिर लास्ट में बाबा ने अंगूर मंगाए थे, बगीचा था तो बाबा ने, क्योंकि बाबा को भी पता चला था कि मम्मा का भी समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है, तो बाबा सब बच्चों को बोलते थे योग करो, मम्मा वापिस आएगी, योग करो, कुछ नहीं होगा मम्मा को। तो लास्ट समय में बाबा ने अपने हाथों से मम्मा के हाथ में अंगूर देते थे, जैसे ना यहाँ दादियों के हाथ में टोली देते और फिर वो दादी देती आप हम सभी को, तो ऐसे खुद ब्रह्मा बाबा मम्मा के हाथ में अंगूर देते थे और मम्मा एक एक बच्चों को अपने हाथों से मुंह में खिलाती थी। तो इसलिए अंगूर का विशेष गायन है। और जो बाबा की झोपड़ी के पास जो बगीचा लगा हुआ है उसमें विशेष करके ये अंगूर भी है, और इसी समय जून मास में वो अंगूर खाने के लायक बन जाते हैं। तो आप सभी को मम्मा डे की बहुत सारी संपन्न बनने की, सफल बनने की बहुत बहुत बधाई हो, और आप भी अपना पुरुषार्थ करके जल्दी से जल्दी बाप समान अपने मंजिल तक पहुंचना है, यही सभी को ये हमारी मम्मा डे के पर सभी को शुभ भावनाएं शुभकामनाएं। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत थैंक्स। हाँ ओम शांति। जी प्रफुल, प्रफुल भाई ना, नहीं अभिजीत भाई जी, प्रफुल भाई जी थोड़े से बिजी है। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा क्योंकि वो थोड़ा से गेस्ट आए हैं इसलिए जगदम्बा भवन में बिजी है, लेकिन उन्होंने बहुत आपको भी याद करके दिया, मैंने उनको बताया कि आज भाई जी आई है। तो विशेष करके आपने इतना कम समय, बहुत सॉरी आपको लेट बताया, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा और खास करके मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ देर के लिए अपने पांडव भवन के बहुत अपने सीन भी दिखाए ना, तो बहुत अच्छे लगे। तो बाबा के ये जो बोल है ना, जो मम्मा के बोल, बाबा के बोल है, हमेशा ही हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज के विशेष दिन पर भाई जी इधर जगदम्बा भवन में भी मम्मा का एक विशेष कमरा बनाया है और जिसमें वे बहुत रिन्यू किया है, तो हम सभी को ये दिखाएंगे कि कैसे मम्मा का कमरा है स्क्रीन पर भी। बहुत अच्छा, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा, तुझी याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी
तो भाई जी इस कमरे के उद्घाटन आशा दीदी जी पूना में आए थे उस टाइम पर किया था बहुत, और इधर ज्ञान विज्ञान भवन भी नया बनाया है, तो आप भी एक दिन जरूर आना, क्योंकि एक दो दिन मैंने आपको जैसे टाइम मिले एक दो दिन, क्योंकि आएंगे ना तो बहुत सारा इनमें रिनोवेशन भी किया है, और विशेष करके खास करके आज जो जगदम्बा भवन की तरफ से आज प्रोग्राम रखा था कि मम्मा की कुछ यादें, तो ये YouTube पर भी है, YouTube पर भी बहुत सुन रहे हैं, तो भाई भाई जी पुनः आपको बहुत बहुत थैंक्स, और सभी को ऐसे आप बीच बीच में आते रहना, क्योंकि अव्यक्त मुक्ति क्लब सभी को पता ही है कि पिछले 3 साल हो गए कि 69 से चालू किया, अभी 2012 तक आया है, बहुत रेगुलर रूप से चल रहा है सुबह और शाम तक। साक्षी भाई नाम से 5 मिनट पहले बताती है, मैं तो वॉकिंग कर रहा था अचानक होने का कोई बात नहीं, तो आज ही हमारा भट्टी का उद्घाटन हुआ, उसमें भी कुछ मम्मा की बातें चल रही थी, सुबह से भी मम्मा की बातें चल रही थी, तो माइंड में तो थे ही बहुत सारी चीजें, तो कोई बड़ी बात नहीं, सहज हो गया और आगे सेटिंग वो कर दिया और बस चालू हो गया और क्या तो ये तो बाबा की कमाल है जी, सभी ग्रुप की तरफ से आपको सभी 1 मिनट थोड़ा सा भाई भाई जी को ओम शांति भी करते हैं। शांति भाई जी, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, प्रिय बाबा जी, थैंक यू, ओम शांति, गुड नाइट सभी को, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, जैसे एग्जांपल दिया हाजी का पाठ का हमको भी, और रियली सॉरी भी और थैंक यू भी, इतने कम समय में आप हमारे बीच में जुड़े। 2 लाइन आपके प्रति बोलना चाहेंगे, योग अभ्यास और सकारात्मक दृष्टि से बुरे वायुमंडल का करते हैं नाश, योग अभ्यास और सकारात्मक दृष्टि से बुरे वायुमंडल का करते हैं नाश, हर समय संकल्प श्वास से करते हैं बाबा की पूरी आश। ओम शांति, आपका बहुत बहुत दिल से फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमूल्य समय और मम्मा के अनुभव से हमें लाभान्वित करने का, और जो भी भाई बहने नए जुड़े हैं वो हर समय 8:30 बजे हम साकार वाणी का चिंतन करते हैं, और 9 बजे अव्यक्त मूर्ति का रीडिंग होता है, तो वो भी जुड़ सकते हैं इस ग्रुप से और लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति अभिषेक भाई, थैंक यू, गुड नाइट। 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर इस वीडियो इस कॉल को एंड करते हैं।